इस समय मैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। तीन होनहार छात्र जो देश को चलाने के लिए आईएएस आईएएस पीएस या ये कहीं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो देश का भविष्य बन सकते थे, उनकी मौत हो गई थी, उसको लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बारिश के पानी में इन तीनों बच्चों की, होनहार बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये हत्या नहीं है, हत्या है। इसका मतलब बीजेपी का साफ तौर पर ये आरोप है कि ये जो बच्चे, जो होनहार बच्चे दुनिया को छोड़कर संसार से चले गए हैं, उनकी जो हत्या नहीं है, उनकी जो मौत हुई है, उसका कारण दिल्ली सरकार है। क्योंकि अगर दिल्ली सरकार समय रहते उन सीवर को, उन डैम को ठीक कर लेती तो शायद इतना पानी या इतना जल भराव वहां पर ना होता और ये बच्चे आज शायद जीवित होते। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली। आज जो कैंडल मार्च है समाज के बारे में बताएं डॉक्टर। देखिए आज का कैंडल मार्च है वो अनफॉर्चुनेट वो बच्चे जो दिल्ली के एक बेसमेंट के पानी में डूबकर जिनकी मौत हुई, और वो मौत नहीं, वो हादसा नहीं, वो हत्या है, वो दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों के द्वारा, एमसीडी के उन कर्मचारियों के द्वारा जो वहां बाहर की सिल्ट नाले की साफ नहीं करते, जो नाले में पानी भरकर ओवरफ्लो पर कई कई दिन कई कई दिन कंप्लेंट होने के बावजूद कुछ नहीं करते, ये उनके ऊपर हत्या है, उन कर्मचारियों के ऊपर। आज हम लोग उन तीन बच्चों की आकस्मिक मृत्यु पर उनको श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मार्च कर रहे हैं कृष्णा नगर विधानसभा में। अनारकली वार्ड से हम लोग चल रहे हैं और आगे अपने जगतपुरी वार्ड, कृष्णा नगर वार्ड की तरफ जाएंगे। किस तरीके का मैसेज मिलेगा ये कैंडल मार्च से, क्या समझे? देखिए ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसको दिल्ली की सरकार ने संवेदनहीनता के साथ जिस पर काम किया है, अगर ये पहले से दिल्ली में व्यवस्था ठीक हो जाती तो ये नहीं होता। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कल क्या कहा, ये बहुत बड़ी बात की है कि दिल्ली में फ्रीबीज कल्चर के कारण जो सिर्फ व्यवस्था है वो फेल हो चुकी है। वो व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और एमसीडी की थी। आप एक थार के ड्राइवर को अरेस्ट कर रहे हो, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एमसीडी के अधिकारी जो एसी कमरे में बैठते हैं वो बुलाए जाए। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को तलब किया है, इसी तरह उन्होंने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है, और इसमें एक नहीं तो उन्होंने कहा सेंट्रल एजेंसीज को ये मुद्दा दे दिया जाएगा। हम अपने साथियों के साथ, हमारे मंडल पूरे, अनिल अरोड़ा जी हैं, कमल बुद्धि राजा जी हैं, रवि चौधरी जी हैं, राजेश चड्डा जी हैं, और हमारे साथ संदीप कपूर जी हैं जो पार्षद हैं यहाँ के, यहाँ के संयोजक हमारे राजकुमार शर्मा जी हैं, और हमारी पूरी टीम और जनता के साथ एक शांति के लिए, बच्चों की आत्मा की शांति के लिए हम ये लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। देखिए ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि श्रद्धांजलि देते भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर के बच्चे बिना किसी दुर्घटना के हमें छोड़ के चले गए। ऐसे मेधावी छात्र जो आने वाले समय में आईएएस आईपीएस बनना था और जिनका भविष्य बड़ा उज्जवल था, देश की सेवा करनी थी, वो सिर्फ निकम्मी दिल्ली सरकार और एमसीडी की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। उन सभी छात्रों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसके साथ साथ उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और दिल्ली सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप दिल्ली के विकास के लिए काम करो, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। देखिये हत्या इसलिए है कि जिस स्थान पर पानी भरा, वो इस सीजन में भी लगातार 5 बार वहाँ वार्निंग आई कि थोड़ी सी बारिश होते ही 2 से 3 फुट पानी भरता है, और लोगों ने शिकायत की, लेकिन वहाँ के जो विधायक दुर्गेश पाठक और वहाँ की आम आदमी पार्टी की जो काउंसलर है, उन्होंने बिल्कुल इस पे आके वहाँ दौरा करने की भी जरूरत नहीं समझी। और उस दिन जब ये बारिश आई, थोड़ी बारिश ज्यादा थी, बेसमेंट में अचानक पानी भरा और 3 मेगावी छात्रों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो ये हत्या है। जिसकी वार्निंग लोगों ने दी, जिसकी वार्निंग दिख रही थी, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद ने, मेयर ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से छात्राओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए कैंडल मार्च का तो मैसेज ये है कि हमें एकजुट रहना चाहिए और जो सरकार काम नहीं करती है उसके खिलाफ हमें आंदोलन और आवाज उठानी चाहिए, और उसके साथ साथ उन अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं को वार्निंग है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो दिल्ली की जनता आपको आने वाले चुनाव में उखाड़ के फेंक देगी।
दिल्ली की असंवेदनशील सरकार, जिसकी वजह से लगातार हर वर्ष हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। दिल्ली के अंदर यदि गर्मी ज्यादा हो जाए तो लोग प्यासे मर जाते हैं। दिल्ली के अंदर यदि बरसात ज्यादा हो जाए तो लोग डूब के मरने लगे हैं। दिल्ली के अंदर सर्दी ज्यादा हो जाए तो लोग प्रदूषण से मरते हैं। यह असंवेदनशील सरकार, जो असंवेदनशील सरकार है, उसके कान पे जू तक नहीं रेंगती है, केवल प्रचार प्रचार प्रचार। और दिल्ली का पैसा कहाँ किस चुनाव के अंदर जाके लगाना है, केवल उसी में इसका दिमाग चलता है केजरीवाल का। दिल्ली की समस्या जो कि क्यों खड़ी हुई है, क्या ट्रैफिक की समस्या नहीं है दिल्ली में? अधिक बरसात आ जाए तो लोग डूबने लगते हैं, मकान डूबने लगते हैं, दीवारें गिरने लगती है, मकान गिरने लगते हैं। यदि यहाँ गर्मी अधिक हो जाए तो पानी के लिए त्राहिमाम हो जाता है, लोग मर जाते हैं। प्रदूषण अधिक होने से सर्दी के दिनों में लोगों के घरों में बीमार टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वे दिल्ली की सरकार को आने वाले समय में जनता को सोचना चाहिए कि उन्होंने इस केजरीवाल को चुन के पाया क्या, उन्होंने कुछ पाया भी या खोया ही खोया। हर घर में से कोई ना कोई मरा है। इस बात को लेकर, इसकी असंवेदनशीलता को लेकर केवल और केवल प्रचार से काम नहीं चलता। केजरीवाल जी जनता के बारे में भी सोचे, नहीं तो जनता आने वाले समय में आपको बाहर का रूप दिखा देगी, जेल में तो आप पहुंच ही चुके हैं। पैनल मैच निकाल के क्या संदेश देने की कोशिश की है? हम ये कहना चाहते हैं, ये हास्य नहीं है, ये हत्या है। दिल्ली सरकार के वहां के विधायक वो भी कार्रवाई नहीं कर पाई, ये हत्या है, ये हत्या है। क्या कहना चाहते हैं इस कैंडल मार्च से, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैंडल मार्च से हम ये सारी जनता, दिल्ली की सारी जनता, इन बच्चों पर सभी दुखी है और हम ये चाहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आगे भविष्य में ऐसी भविष्य में ऐसा कोई घटना न घटे।